सिंगरौली में स्वच्छता ही सेवा अभियान जोर शोरों से चलाया गया। इस अभियान में कलेक्टर से लेकर आम लोगों तक ने भाग लिया, जगह जगह साफ सफाई कर इस अभियान को गति दी। सिंगरौली में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वच्छता से ही सेवा अभियान के तहत कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के नेतृत्व में सिंगरौली नगर निगम कमिश्नर दया किशन शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, नगर निगम के अधिकारी बीवी उपाध्याय सहित जिला प्रशासन के कर्मचारियों, स्कूल के विद्यार्थियों और आम लोगों ने नालियों से प्लास्टिक कचरा साफ किया। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा कि जिले के तीनों विकास खंडों के सभी 311 ग्राम पंचायतों, 704 ग्रामों में व 45 वार्डों में एक साथ स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितम्बर को हमने इसका शुरुआत किया था और ये लगातार जारी है। हमारे जिले के सभी 316 पंचायतें, 704 गांव और 75 वार्डों में लगातार काम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना, ना केवल जागरूक करना बल्कि आगे बढ़कर काम करना। समानता देखा जाता है कि व्यक्ति अपेक्षा करता है कि दूसरा स्वच्छता के क्षेत्र में काम करे, तो इस बार इस मिशन को तोड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि हर वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे हमारा मध्यम वर्ग हो, बौद्धिक वर्ग हो, मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय कर्मचारी हो, पूरा अमला एक साथ उठे और इन सारे काम करे। देखिए, आज 1 अक्टूबर को हमारा जो प्लान था स्वच्छता ही सेवा में मेगा इवेंट के अंतर्गत हम लोगों ने पिकाथॉन की एक्टिविटी करी है और पूरे ज़िले के सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो 704 गाँव में आते हैं, तमाम लोग, हमारे विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चे, कॉलेज के बच्चे और समाज के सभी तरीके के सभी वर्गों के लोग, हमारी बहनें, हमारे बंधुवर्ग, सभी लोग आज निकल के आके और उन्होंने स्वच्छता का कार्य किया है। और ये कार्य शहरों में भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुआ है और बड़ा ही अभूतपूर्व उत्साह है। और लगभग ज़िले भर में मैं मानता हूँ कि लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों ने अपनी सहभागिता स्वच्छता की आहुति देने का काम किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।